नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों आज हम आपको योगा फॉर विंटर में बैठकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में सुबह उठकर शरीर में आलसी छाया रहता है और उठने का मन नहीं करता है। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर से आलसी दूर भागता है और यह अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए और शरीर को ऊर्जान्वित करने के लिए मरजारी आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करना सिखाएंगे। दोस्तों इस मरजारी आसन को आप अपने बिस्तर पर सुबह उठकर प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से आलस्य और शरीर में होने वाले दर्द, जैसे जिन लोगों को कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या रहती है, वह समस्या दूर होती है। मरजारी आसन की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को नीचे की तरफ करना है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ आप इसे 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर सुबह उठने में शरीर में दर्द, बदन दर्द की शिकायत होती है, वह दूर होती है और हमारा शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बनता है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे थोड़ा सा आगे को कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को नीचे की तरफ करना है और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को नीचे की तरफ करना है। इनहेल और एक्सहेल। यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन जैसी समस्या को भी दूर करता है। फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इसके बाद मरजारी आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और अपने घुटनों के बीच में ऐसे है आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने बगल के पास से ले जाते हैं और अपने हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर रख लेते हैं। अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करते आगे की तरफ स्ट्रेचिंग स्ट्रेच करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे पीठ में दर्द को दूर करता है। ऐसे ही दोनों साइड से इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।